हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेंडिंग। जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 59th पार्ट में स्वागत है। दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। सिंसिया ब्रेंडिंग में जो भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो आपके ICAR एग्जाम है, ICAR JRF, SRF या नेट का एग्जाम है, नाबार्ड का एग्जाम है, IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या आपका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है, एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी वीडियोज हमारे सिंसिया ब्रेंडिंग चैनल में अपलोड हो रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, वेजिटेबल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, राइट। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन टू इंक्रीज बाय -% इन 2022-2023। अभी रिसेंटली एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट जो भारत की कॉटन प्रोडक्शन है डेट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट, वो कितने परसेंट इंक्रीज होगी फॉर द सीजन 2022-23 के लिए। इसका राइट आंसर है आपका बी 15%। द बन वेल इन कॉटन इज इक्वल टू, कॉटन में एक बेल जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, बन वेल इन कॉटन इज इक्वल टू 170, 180, 190 और 160 केजी। तो एक बेल जो होता है कॉटन में डेट इज इक्वल टू 170 केजी का होता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द सुगर केन राइपनर इज, इनमें से कौन सा जो सुगर केन राइपनिंग है, तो डेट इज योर, राइट आंसर इज योर सी, राउंड अप पावर मैक्स 3। तो डेट इज एक्चुअली ग्लाइफोसेट की ही फॉर्मुलेशन है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लाइफोसेट जो है वो सुगर केन राइपनर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका ग्लाइफोसेट है उसका जो फॉर्मुलेशन है डेट इज योर राउंड अप पावर मैक्स 3। नेक्स्ट इज बंगाल कैटफिश डेट इज बोटेनिकली नोन एज, राइट, उसका आपको बोटेनिकल नेम बताना है जो आपकी बंगाल कैटफिश है, जिसको हम लोकली डेट इज ऑल्सो नोन एज नोना टेंगरा भी बोलते हैं, जो कि एक स्मॉल इंडिजीनियस फिश स्पीसीज है जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। तो ये जो आपकी नोना टेंगरा है, हम कह सकते हैं ये बंगाल कैटफिश है, तो इसको बोटेनिकली डेट इज हम देखें तो डेट इज नोन एज मिस्टस गुलियो। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज विच हार्मोन एक्ट एज ए स्ट्रेस हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है, तो राइट आंसर इज योर डी, ABA-FCC एसिड, दैट इज योर स्ट्रेस हार्मोन है। द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन इंसेक्ट हेड आर, जो आपका इंसेक्ट हेड होता है उसमें जनरली कितनी सेगमेंट्स होती हैं, तो राइट आंसर इज बी, यानी कि 6 सेगमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोफेगस पेस्ट, इनमें से कौन सा जो मोनोफेगस पेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आपका सी, मैंगो स्टोन बीविल जो एक मोनोफेगस पेस्ट है। कोलोसोब्रुकस चाइनेंसिस इज स्टोरेज पेस्ट ऑफ, तो जो आपका कोलोसोब्रुकस चाइनेंसिस है यानी कि जो ब्रुकस है तो वो स्टोरेज पेस्ट है किसका, तो एक्चुअली बीटल है, तो ये जो है स्टोरेज पेस्ट है पल्सिस का, बीन्स जो क्रॉप है, राइट, तो यानी कि पल्सिस का ये स्टोरेज पेस्ट है लेग्यूम क्रॉप्स का। नेक्स्ट इज हाइमिनोप्टेरा इज द ऑर्डर ऑफ, हाइमिनोप्टेरा जो है इनमें से कौन सी इंसेक्ट का ऑर्डर है, तो जो आपकी हनी बीज हैं या बीज हैं दे बिलोंग टू हाइमिनोप्टेरा ऑर्डर को। राइट आंसर हो जाएगा ए। लेडी बर्ड बीटल इज, जो आपका लेडी बर्ड बीटल होता है डेट इज एक तरह से हम कह सकते हैं डेट इज ए प्रीडेटर होता है। नेक्स्ट इज एकालक्स इज ट्रेड नेम ऑफ विच इंसेक्टिसाइड, जो आपका एकालक्स है किस इंसेक्टिसाइड का ट्रेड नेम है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए, क्विनोलफॉस का। एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इज लोकेटेड एट, एशिया का जो सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है वो कहाँ पे है, तो डेट इज इन श्रीनगर में है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड इज, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड है वो एक्चुअली किसको कहा जाता था, क्यूबा को, राइट, राइट आंसर ए है। बट अभी आप देखेंगे कि उसके बाद क्यूबा में जो सुगर प्रोडक्शन है वो हम कह सकते हैं डाउन होती गई, एंड देन ब्राजील जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शुगर का हब बन गया। बट अभी रिसेंटली 2022 में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इंडिया जो है दैट हैज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसके साथ साथ कंज्यूमर ऑफ द शुगर इन द वर्ल्ड। तो अभी हम देखें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, बट इन जनरली पहले जो हम कह सकते हैं कि शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड जो है दैट इज क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट इज
नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड इन द ईयर, जो आपकी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ए 1999 में, तो लगभग 1999 2000 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट इज द एग्रीकल्चरल क्रॉप ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम, इंडिया में जो एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर होता है वो कब से कब तक होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है। एग्रीकल्चरल सेंसिस इज टेकन आफ्टर एवरी डैश ईयर्स, तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेंसिस कंडक्ट किया जाता है तो हर 5 साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट, जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी वॉशिंगटन डीसी में है। द रिवार्ड ऑफ लेबर इज कॉल्ड एज, जो आपका लेबर को हम रिवॉर्ड देते हैं, मनी देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज वेजेस, राइट। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर द सॉल्ट इज, जो आपके सॉल्ट होता है उसके लिए जो डिमांड होती है तो डेट इज इन इलास्टिक होती है, बी यानी कि इन इलास्टिक होती है। डजेंट मैटर कि आपका प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है, मीन्स प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, मतलब प्राइस में वेरिएबिलिटी आ सकती है, बट जो सॉल्ट की डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, राइट। तो जो डिमांड फॉर द सॉल्ट इज डेट इज इन इलास्टिक इन नेचर। इन इंडिया द मार्जिनल फार्मर्स हैव लैंड होल्डिंग लेस देन डैश हेक्टेयर, भारत में जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग होती है कितनी होती है? तो लेस देन कितने हेक्टेयर होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए लेस देन 1 हेक्टेयर। तो लेस देन 1 हेक्टेयर जो लैंड है जो भी फार्मर्स है तो उनको मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है इंडिया में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेनरी। जय हिंद।